तो यार आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार मेरी ना और अगर आप में से भी ना बहुत अरे सारे ना लोगों अरे की ना भाई सुनिए एक ना तो भाई सुनिए शिकायत थी पबजी से कि ना अरे BGMI से कि जो है ये जो है iOS पे कब आएगा, और क्योंकि ना एंड्रॉइड पे इतनी पहले आ चुका है, iOS पे ना कोई नामो निशान है ना ही पहले कोई आ हिंट दे रहे आ हैं। जाओ तो आ जाओ ना फाइनली जो है अब जाके हिंट भी मिल चुका है, VPN और कल जाके फाइनली जो है iOS पे लॉन्च होने वाला है जहाँ तक सुनने में आ रहा है। क्योंकि देखो कल मेक जो इट है वर्क, iOS पे ये कह रहा नहीं तो वॉच आउट, यानी कि लॉन्च पार्टी रखी गई है, यानी कि 15 अगस्त वाले दिन, और मिल ये आ गया दिन भी काफ़ी अच्छे से चुना गया है। आई थिंक पहले भी ये जो है मिल आई थिंक ये जाएगा पहले भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन यार ऑनलाइन एक हो हिसाब से देखा जाए तो 15 अगस्त से बढ़िया इवेंट क्या हो सकता था iOS पे इसको लॉन्च करने के लिए। सो कल के दिन जो है फाइनली आप इसे अपने आईपैड, आईफोन या किसी भी iOS वाले डिवाइस पे जो है इसको चला सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये चीज़ जो है पबजी वाले ने ऑफिशियली तो नहीं कही है, लेकिन जब लॉन्च हुआ था तो भाई अभी वैसे ये चीज़ जो है कहीं कंफर्म नहीं हुई है, ना ही किसी ने जो है इसको कंफर्म किया है। लेकिन देखा जाए तो भाई कल जो है लॉन्च पार्टी है, और दूसरी लॉन्च पार्टी क्यों ही होगी, तो कंफर्म है कि उस दिन जो है iOS पे लॉन्च होने वाला है, यानी कि कल के दिन। सो मैं रेडी रहूँगा। अभी लॉन्च पार्टी जो है देखा जाए तो भाई दोपहर को है, एंड अगर लॉन्च पार्टी दोपहर को है तो भाई सुबह तक ये लॉन्च हो जाना चाहिए, 7 बजे तक। सो जब ये वीडियो देख रहे हो आप, अगर तो 15 अगस्त को देख रहे हो, तो भाई एक बार जो है अपना प्ले स्टोर यानी कि iOS का प्ले स्टोर चेक कर लेना, जिसको कि कहते हैं ऐप स्टोर। फिलहाल ये दो बंदे, इनके पास जो है कोई गन नहीं थी तो ये छुपे हुए थे बेचारे। इस बंदे के पास गन थी, लेकिन भाई ये वाला बंदा जो है इसकी शॉटगन ख़त्म हो गई थी हमारे टीममेट को मारते मारते, तो ये दोनों छुप गए थे। तो भाई एक का किल के दोनों का किल मैंने उठा लिया यहाँ पे। फिलहाल इनको निपटाने के बाद, और आप अपना चेक कर लेना भाई कि आपका जो ऐप स्टोर है उस पर अगर आ गई है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और लिख देना वीडियो के नीचे। अदरवाइज़ जो है मेरे को नहीं लग रहा कि भाई 1 वीक से ज़्यादा ये और होल्ड कर पाएंगे। सो अगर 15 अगस्त के दिन नहीं आता है तो भाई उसके 1 वीक के अंदर अंदर आने की बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड मैं भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यार जो भी हो, लेकिन ये जो एंड्रॉयड है इस पर मेरा हाथ नहीं जम रहा है। अब इसके पीछे भी दो रीज़न है यार, क्योंकि एक तो ये जो एसुस रॉग है ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और दूसरा मेरी फ़ोन पे जो प्रैक्टिस है वो ज़ीरो है, क्योंकि मैंने इतने सालों से जो भी चीज़ खेली है वो मैंने खेली है भाई आईपैड पे। सो प्रैक्टिस जो है एकदम ज़ीरो है, हाथ जो है बिल्कुल सेट नहीं होता। हाँ ऐसे अगर गेम प्ले निकालना हो तो निकल जाता है, लेकिन यार खेलने में जो मज़ा है वो नहीं आता है। सो मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, या तो iOS आएगा तो उस पे खेलेंगे, आईफोन पे खेलेंगे, या तो वापस जो है आईपैड पे चले जाएंगे, क्योंकि अपना जो है नॉर्मल खेलना है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे आईफोन पे खेलना चाहिए या आईपैड पे? फिलहाल मेरे को दूर एक बॉट दिखा था तो मैं मारने लगा, तो वो भाग गया, तो मेरे को लगा शायद वो बंदा है, क्योंकि यार जैसे मैंने फायर करना वो बड़ी तेज भागा और पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने उसको मारने की ट्राई करी, इतने देर में पीछे आ गया एक, तो सबसे पहले इसको निपटाया। अब बारी है भाई दूर वाले बंदे की, और ये पेड़ शिफ्ट कर ही रहा था कि इतने देर में निपट गया। अब बारी थी भाई यहाँ से निकलने की, और अपन ने ना यहाँ से गाड़ी उठाई, सीधा चलते भाई वापस जॉर्जीपुर में, क्योंकि पहाड़ी पे ना बंदे फायर कर रहे थे जब हम ये गाड़ी लेने आए। तो अपन वापस जाते हैं, तो वो वाले बंदे शायद उतनी देर में पीछे की साइड गाड़ी के लिए भाग गए थे। अब हम देखने आते हैं कि भाई, हमको नहीं पता था बंदे यहीं पे, हमको तो जहाँ तक लग रहा था टावर के ऊपर था। हमने सोचा एक बार घुमा लेते हैं, फिर हमने सोचा चलो सिटी की तरफ चल के देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी गाड़ी थी नहीं, वरना हम ही यहाँ से ले लेते। अभी हम सिटी जा रहे थे तो सामने दो बंदे दिखते हैं क्रॉस करते हुए, और देखो अब दिक्कत की बात ये थी कि उन्होंने जो है स्मोक कर दिए थे, और स्मोक के अंदर एक बंदा चला गया था, दूसरे के पास जो है पत्थर का कवर था, और वो कवर भी दे रहा था अपने बाकी के टीममेट्स को। तो ये कुल मिला के 3 से 4 बंदे रहते हैं जो कि अलग अलग जगह पे स्मोक करके, वो देखो 4 स्मोक हो रखे। एक के पास जो है पत्थर का भी कवर है, तो वो पत्थर के पीछे है। सो मेरे को स्कोप चाहिए था एक, तो मैंने अपने टीममेट से स्कोप मांगा, तो उसने जो है सेफ्टी में आके दिया मेरे को स्कोप। अब यहाँ से जो है निकलने की ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करूँगा स्प्रे से मारने की, बट दिक्कत वहाँ पर ये होने वाली है कि वो भाई कवर में है और काफ़ी दूर। लेकिन जैसे आया तो भाई दो बंदे इनके यहाँ पे आ गए थे, भाई दो बंदे इनके आते, बाकी के दो बंदे कवर में थे, क्योंकि हमने दो ही बंदों को देखा था निकलते हुए। सो इन दोनों को तो निपटाया। अब बाकी के बचा एक बंदा, शायद एक ही बंदा बचा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बंदा इनका क्लोज आ गया था, और दूसरा बंदा देखो। अब दूर से स्प्रे मारने की यही एक दिक्कत है कि भाई रिच के पीछे जब बंदा रहता तो भाई उसको नहीं पड़ती। सो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था बहुत देर से,
लेकिन वो बंदा कवर नहीं देता, अकेला बचा हुआ था शायद, तो वो तो भाई नहीं चाहेगा कि वो इतनी दूर से जो है फाइट ले। ऑब्वियसली हील भी कम होगी उसके पास। अब मैं और मेरी टीममेट जो है प्लान बना लेते हैं उसके ऊपर रश करने का, क्योंकि कंफर्म हो गया था कि शायद वो अकेला ही है, तो उसको जो है पास में जाके निकालना ज़्यादा इजी रहता। सो जैसे हम यहाँ पे गाड़ी में बैठे, वो वाला बंदा फायरिंग स्टार्ट कर देता था कि हम ना बैठ पाएँ गाड़ी पे, ना रश कर पाएँ। अब जितना फायर उसने करना था उसने किया, हम उसके ऊपर जो है रश करने वाले हैं, बिकॉज वो बंदा जो है पीछे की साइड भाग गया है और मैं नहीं चाहता कि वो बंदा जो है गायब हो जाए वहाँ से। सो वो हमारे लिए इजी किल रहेगा। सो अपन उसके ऊपर रश करते थे, बट वो बंदा भागता नहीं है, देखो वहीं पे खड़ा है एंड जस्ट जो है लेफ्ट की साइड भाग रहा था। सो देखो आप कैसे निपटाते हैं इस बंदे को, थोड़ा क्लोज में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि भाई देखो वो उतरा हुआ बंदा है। सो वो गाड़ी वालों को इजीली एक निकाल सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो है इतना अच्छे से एम नहीं लगता है, तो अगर उसने एक दो निकाल दिया तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने गाड़ी जो है दूरी रोक दी है और बग्गी से जाता हूँ मैं, ताकि अकेला बंदा हूँ तो भाई बग्गी से जाऊँगा तो मेरे को नहीं उतार पाएगा वो। फिलहाल वो पीछे की साइड भागा है और यहाँ पे कोई पत्थर के कवर पे है, मेरा टीममेट मेरे को कॉल देता है पीछे से। सो देखो फिर कैसे भरते इस बंदे को, इजीली निपटाए ये वाले बंदे को और इसकी लूट भी ले लेते हैं। वैसे ये बंदा बहादुर था, काफ़ी देर से लड़ा, इवन ये भाग सकता था क्योंकि जब तक हम गाड़ी से वो ट्रैवल करते उतना डिस्टेंस को, तो वो बंदा इजीली कहीं ना कहीं तो छुप सकता था, बट छुपा नहीं वो। और उसके बाद आते इस वाली लोकेशन पे, यहाँ पे ऑलरेडी बंदे हैं, तो देखो क्या करते हैं इनका। ये जस्ट निकलने की तैयारी में थे तो इन्होंने कोई ज़्यादा फाइट नहीं लड़ी, गाड़ी में बैठे और भागना स्टार्ट। दो बंदे तो निपटा दिए इनके, ये जो बंदा था यहाँ तो उल्टी बग्गी करके चल रहा था, यहाँ तो उसका बग्गी का टायर फूटा हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा बहुत धीमे से चल रहा था, बहुत ज़्यादा डैमेज था, ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, गाड़ी से पीछा करके फेल के आते हैं इसको। दूर तो नहीं गया था वो, लेकिन मेरा नेट बीच में जो है थोड़ा सा वो हो गया था, वहाँ पर मेरा नेट जो है पेड़ के पास चला गया था, और उसके बाद मैंने देखा तो मैं यहाँ कहीं एक साइड में ठुका पड़ा था, और जब तक मैं जाता तो मेरी टीम मैंने उसको मार दिया। अरे इतनी देर हो गई उनको, लेकिन ये जो टीममेट इनका, ये यहाँ पे अभी भी जो है क्रेट्स लूट रहा था और भागने की तैयारी में था। भाई क्या कहूँ मैं, कहता हूँ सारे के सारे भागने की तैयारी में थे यहाँ से। फिलहाल वहाँ पे से निकल के अगेन हम यही जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि जोन यही कहीं बन रहा था और फायरिंग भी हो रही थी यहाँ पर, तो अपन देखने आए थे कहाँ से चल रही है ये फायरिंग, जब भी देखते वहाँ पे फायरिंग हो रही है अंदर पीछे की साइड। सो रुकते हैं यहाँ पे और देखो, अब एक बंदा मेरे को दिख गया था, हल्की सी हलचल हुई थी उसकी नीचे वाली खिड़की पे। सो मैं पहले उसको गेस कर रहा था वो ऊपर चला जाएगा, सो मैं ऊपर मॉली फेंकता हूँ, बट एंड टाइम पे वो फायर करता है और अपनी मौत को बुला लेता है। सो देखो क्या होता है इसका, जल के मरेगा ये वहीं पे। अगर वहाँ से हिल जाता तो मैं मार देता इसको, नहीं हिलता तो अभी मेरे को ही किल मिलता इसका मॉली के कारण। सो काफ़ी इजीली मारा इस टीम को भी, दो बंदों की टीम थी और ड्रॉप काफ़ी अच्छे लूट रखे थे इन्होंने, अगर अच्छे से फाइट करते तो भाई निपटा भी सकते थे हमारी टीम को। तीन ही बंदे थे हम, 2v3 था, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वली थी टीम, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ। फिलहाल वहाँ से निकलने के बाद अगेन सेम इसी जगह पे आते हैं। अब सबसे पहले उतरते मेरे को एक इल्यूजन होता है दो बंदे दिखने का। अब यहाँ पे ना बंदे निकलने की तैयारी में थे और जैसे मैं यहाँ से पीक लेता हूँ, मेरे टीममेट बोलते उधर से जा। अब यहाँ पे दो बंदे इल्यूजन से दिखे मेरे को, मतलब जिस टाइम पे मैं गेम खेल रहा था उस टाइम पे मेरे को लगा कि यहाँ पे दो बंदे हैं। सो दिखा तो वहाँ पे एक ही था, बट मेरे को ऐसा लगा कि भाई एक बंदा तो बग्गी स्टार्ट करके जो है पीछे की साइड निकला है, तो वो यहीं कहीं छुपा होगा जिस पे मैंने पहले फायरिंग स्टार्ट करी थी। फिलहाल यहाँ पे मैं देखता हूँ, हर घर चेक किया, अब एक आखिरी घर बचा था ये वाला जिसके अंदर वो हो सकता था। सो गारंटी थी कि वो इसी के अंदर ही होगा, लेकिन जब चेक करते तो भाई ना वो यहाँ पे था, तो बंदा गया कहाँ पे वापस। मैंने जब देखा बाद में एडिटिंग करते समय ये वाली रिकॉर्डिंग को, अब मेरे को वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही बंदा था इतनी देर से जब हम ढूंढ रहे थे, ये दूसरा बंदा था ही नहीं यहाँ पे। दूसरा बंदा यहाँ पे था लेकिन वो वाला बंदा नहीं था जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो कहीं और ही छुपा हुआ था। यहाँ से फायर कर रहा है, देखो कैसे निपटाते इसको। एक बंदा और बचा हुआ इनका, फाइनली इसी के साथ था चिकन डिनर। वैसे ये चार बंदे थे
इनके जो दो बंदे थे वो शायद ऊपर पहाड़ी के ऊपर थे और दो बंदे यहीं पे थे। सो तभी मैं बोलूँ यार इतना सा इल्यूजन कैसे हो रहा है, एक बंदा इनका निकल के पहाड़ी की तरफ जाने वाले थे क्योंकि जोन नहीं थे यहाँ पे। सो वो तो पेला गया, लेकिन जो दूसरा था वो पता नहीं घूम घाम के उधर से पूरा कवर में आ गया और उसने फायर करने की ट्राई की मेरे टीममेट पे, उसको भी निपटाया। फिर दो जो बंदे थे वो थोड़ा सा जोन के बाहर आके वहाँ से फायर देना स्टार्ट किया क्योंकि वो ऑलरेडी पहाड़ी पे पहुँच चुके थे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अदरवाइज जब हम उतरे थे तो वहीं से फायर दे सकते थे। सो बस दैट्स इट यार, ये थे गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई बता मेरे को कमेंट सेक्शन में। वैसे कल वेट करना iOS पे आने का, रिलीज होने का, फिर आपको जो मस्त वाली गेम प्ले देखने को मिल जाएंगी अगेन पहले की तरह, एकदम स्मूथ गेम प्ले। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।